राज, देखा आज हम तहरे पसंद के खाना बनवले बानी। आपके फेवरेट आलू के पराठा बना के ले आई बानी। हमके पता बा आपके बहुत पसंद है। अब खाली आप रात के भी कुछ ना खाइला। अब तक खाली खाना ना खाइबा तो कमजोर हो जाए बना। प्लीज थोड़ा खाली। कौनो बात ना, हम ही तहरा के अपन हाथ से खिला देता नी। आकर हटावा यहाँ से सब। प्यार के नाटक करे के बाद के और के सामने जाके करा। जा यहाँ से। ठीक बा, ना आई बाप के करीब। लेकिन आप खाना तो खा ली, खाना से का दुश्मनी? खाई से दुश्मनी बा हमरा, तो हर बनावल खाना से दुश्मनी, तो हर शक्ल से दुश्मनी बा, तो से दुश्मनी बा। नफरत करी नहीं हम तोहरा से। राज, राज, राज प्लीज ऐसा मत बोला। हमसे बात ना करके बाना तब मत करा। लेकिन लेकिन अपने से दूर जाए खातिर मत कह, हम तारे बिना मर जाए। तो मर जा कहीं जाके। कौन कौन तरह से बोल रहल बानी आप हमके? राज, हम मानत बानी कि हमसे बहुत बड़ गलती हो गई। ऐसा गलती जेकर माफी बहुत मुश्किल, लेकिन लेकिन हमके माफ कर दी ना। हम तारे के कैसे समझाई कि वो वक्त हमारे दिमाग ना अपन काबू में, कैसे समझाए? लेकिन राज, हम अब समझ गए बानी कि हम तारा से बहुत प्यार करी ले। तेरे बिना ना जी सके नी। हम ये हो जाने ले कि तू हमके बहुत प्यार करेला। प्लीज का प्यार के खाते तू हमके माफ ना कर सके ना? माफ और तोहरा ठीक बा, चलो माफ करता नहीं हम। का तू हमरा वो चीज वापस लौटा सके लो जौन हम तोहरा वजह से खोले बानी? हाँ, हमारो दिन जौन हम जेल में गुजर ले बानी वापस ला के दे सके लू? हमार वसूल जकरा साथे हम समझौता के ले बानी वापस ला के देबू? हमारो रिश्ता जकरा साथे हम अपन अपन दुश्मनी निभोले बानी वो प्यार वो भावना वो भरोसा लौटा सके लू हमरा? नहीं क्यों लौटा सकत ना? तो हम भी तोहरा माफ नहीं कर सकत। जा यहाँ से, जा, जा यहाँ से, जा। प्लीज ऐसा मत बोला, माफ ना कर सकत ना, तो सजा दे दा। हमके डांटा, चिल्लावा, मारा हमके, गलती कैले बानी हम, बहुत बढ़ती कैले बानी, लेकिन प्लीज प्लीज अपना से दूर मत कर, मत कर दूर प्लीज। ठीक बा, तोरा सजा चाहिए ना? तो हर सजा ही बा मिताली की आज के बाद तू कभी भी हमारे सामने ना आइबो, हमारा अपन शक्ल ना देखेबो। कहे कि हम नफरत कर लिए तोहरा से? कैसन बात कर रहल बाड़ा राज, तहार बीवी बानी हम। यही बात के तो तकलीफ बा हमरा कि तू हमार बीवी बाड़ू। ना हम तोरा छोड़ सकेनी, ना ही हम तोहरा साथ में रह सकेनी, समझ लू तू? हम जोन कर सकेनी वह सिर्फ और सिर्फ नफरत। यही से आखिरी बार बोल रहे मिताली, प्लीज हमारे सामने से चल जा, दोबारा हमारे सामने मत आई, वरना अगर तू हमारी बात ना मान लू ना तो हम ही घर छोड़ के चल जाएंगे। तू सही ना कहलो प्रज्ञा, तू हमार हसत खेलत दुनिया में आग लगवले बाड़ू। अब हम तारा के कबो खुश ना रहे दे, कबो ना। इतना निखिल क्या, पर वो पार्सल काहे कहलक? अब तक तो तनु पार्सल चेक कर ही ले होगी, अभी एक कॉल करता नहीं। निखिल ना, वो पार्सल ना करिए, अब के परेशान कर रहा बा। के परेशान कर रहा बा हमके? हेलो। हाँ मैडम, का भइल? तबियत वबियत ठीक ना बा का? बुखार आ गई? फालतू की मजाक बंद करो और रखो फोन। देखो मैडम, जमरे बात के मजाक से मजबूत जिंदगी में फिर हंसी ना आई, जैसे कि वो बच्चा आपके नहा वो वाला बात। देखा अपन बकवास बंद करो, तेरा तो तेरा पास कोनो प्रूफ आ का बात कर रहा बाड़ो मैडम?
इतना बड़ बक्सा भेजले बानी आपके, फिर भी आपके समझ ना आई। ओ बक्सा में जे घड़ी बाना ओ ही के बाना जेकरे बच्चा के आप माँ बने वाला बानी। ई पार्सल तू ही? ओ ना तका मैडम, देखा मैडम, आप जे हमरे साथ मजाक कर रहल बानी ना, वो ठीक ना बा। अभी हम आपके छोट से नमूना भेजले बानी, आपके सच अभी सर के सामने साबित करेला, बड़का सबूत भी बा हमारे पास। चला, हम गुस्सा ना करत बानी, आपके एगो और मौका देता नहीं। देखा, अब हमरा पैसा हमके दे दो, ना तो हम सीधा अभी सर के कॉल कर दे। ना, ना, हम तो हर बात माने खातिर तैयार बानी। हम वहाँ आवे वाला रहनी, लेकिन पैसा के अरेंजमेंट ना भइल, पर हम कोशिश कर रहल बानी। देखा, वो सब हमके ना पता, जहाँ से लावे के बाद पैसा ले आवा। तनु मैडम, हम का सोचत रहनी कि आपके जगह ई सबूत हम अभी सर के पहली बीवी के दे देते। वो कहा कि वो हमके ज्यादा पैसा भी देगी और टाइम भी कम लेगी। आप तो बस सोच ली, हम फोन करब आपके फिर। ठीक बा, रखत बात। तोहरा ही घर में रह के उल्टा गिनती अब शुरू हो चुकल बा तनु। रॉनी, रॉनी, एक मिनट जरूरी बात चल रहल बा। अरे क्या कहनी आप? आपके पता बा कितना इम्पोर्टेंट बात चल रहा है? भाड़ में गलत है इम्पोर्टेंट बात। पहले हमके ये बताबा, तोके जी पार्सल मिल रहे, तोके के देले रहे? पार्सल? कैसन पार्सल? अरे हुए पार्सल जे तनी देर पहले तू हमके देले रहला। अच्छा, वो वाला पार्सल? वो तो हम ही देले रहनी। लेकिन आप इतना आग बबूला काहे हो रहल बनी? वो पार्सल मिशन का रहे? देखा, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, जितना पूछनी उतना जवाब दो। वो पार्सल तोके के देलक? हम आपके काहे बताए, हम आप खातिर जॉब कर लेनी। लास्ट टाइम पूछत बनी, सीधे सीधे बताऊ पार्सल तो के देल, न तो हमरा से बुरा कोई न होगी। हमरा पता बा, हम जाना था नहीं कि आपसे बुरा तो कभी हो ही नहीं कह सकत। हाँ, देखी ताली दी। का चलल बा वहाँ पे? दी दी देखी ना, मतलब एक तो इनकर पार्सल हम नीचे से लाके इनकर रूम तक पहुँचनी, ऊपर से हमरे डांट रहल बड़ी, बोला था की पार्सल ही के दे रहे। अब आप ही बताई दी, सुबह से शाम तक इतना डिलीवरी दिया जाला लोग के, तक का हम सबके कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस ले फिर अब भी ना। तनु ये प्रेगनेंसी में ना तार कुछ ज्यादा ही मूड स्विंग हो रहे बाड़े, हमके लागे ताकि तारा कौन अच्छा डॉक्टर की कंसल्ट करे के चाहिए। रही दी, अगर उल्टा जवाब देबू तो तू जाने लू कि हम तारे साथ का कर सकी। वैसे हर छोट से बात पे ऐसे ओवर रिएक्ट करब छोड़ दा, तेरे बच्चा ला अच्छा ना हो बाहर से ली तबा ऐसन का बाहू में जी तू इतना गुस्सा हो रहा बड़ो। ऐसन कुछ न रहे, वो तो बस पार्सल पे क्योंकि नाम या कांटेक्ट नंबर ना रहे तो बस उहे पूछत रहे। कम ऑन तनु, तू इतना पॉपुलर मॉडल बाड़ू, कितना फैंस हो की तहार सीक्रेट एडमास, तेरा की आदत हो के चाहिए ना ऐसन पार्सल्स की लेटर्स के, और ई लेटर के भेज लग ओकर नाम और पता ढूंढे खातिर तू इतना बेकाबू हो खेलू। अरे छोड़ी ना दी, हो ही कौन इनकर सरफिरासी, मतलब जे पार्सल भेजले होके ओकर अंदर कुछ ऐसा ऐसा भेज देले होकी, तो ओकर चक्कर में ही हमारा ऊपर खिसियाल बिल्ली की तरह हावी हो रहल बाड़े। अच्छा, अब ते पार्सल में हम भी इंटरेस्टेड बानी, हम भी देखे चाहब कि ऐसन का बा पार्सल में जी तो इतना आग बबूला हो रहल बाड़ो। हम कहने ना ऐसा कुछ ना, और वैसे भी क्योंकि पर्सनल चीज देखे के भी ना चाहिए। इडियट जोकर। थैंक यू रॉनी, वेरी गुड, जैसन सोच ले रहा नी तू वैसे ही रिएक्ट कर रहल बाड़ो। बस बस अब वो इंसान के साथ हमार बतावल जगह पर पहुंच जाए, फिर तहरे स्टोरी के दी एंड। हमके जल्दी निखिल से मिले के होके, अब तक हम वॉचमैन के बात के मजाक समझत रहनी, निखिल भी ये बात के लाइटली ले लक, लेकिन अब पार्सल वाला बात निखिल के बतावे के ही होखी, उहे बताई कि वॉचमैन के करे के काबा। कहूं जाता रुका? हाँ भी बस ऐसी मार्केट का भाई एने आवा बैठा।
अब बतावा का भाई। तनु बहुत बहुत अजीब से फील करता नहीं हम, ना घर में रह के मन करत बा, ना कोने से बात करे के, यहाँ तक के जौन चीज हमके सबसे ज्यादा अच्छा लगेला हमार म्यूजिक, जब हम उकरा बनावे बैठल रहनी तो उमे भी हमार मन अलगत रहे। हमके समझ में नहीं आवत के का करी हम। अभी तू एगो काम काहे ना करेला, तू कहीं बाहर चल जा, तार मूड चेंज हो जाए। आई मीन यू नो हमरे साथ जब भी ऐसा होकेला हम बाहर चल जाइले। हमार कहूं जाए के मन नहीं किया करत, अंदर से बहुत बहुत खाली फील करत हानी तनु। कोशिश कहीं नहीं सूते के, पर नींद भी नहीं किया आवत। हम निकल चुकल बानी, आधा घंटा में मिलत बानी। अब का करी, कैसे निकली यहाँ से? अभी तो ऐजे बैठ गई, और हम अगर ओजा टाइम पे ना पहुंचनी तो निखिल ड्रामा करी। अभी हम तो के एगो बात बोली तो तू बुरा तो ना मन बना, कहे ना तू अपन रूम में जाके आराम कर, तब तक हम हमार कोनो इम्पोर्टेंट काम हम खत्म करके आ जाता। नहीं इम्पोर्टेंट काम हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बका, हमके अभी तो हर जरूरत बा, और तू ऐसा कौन इम्पोर्टेंट काम करे जात बाड़ू? अभी ऐसा कोनो बात ना हो, ओ डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, रूटीन चेकअप हमने के बच्चा खातिर। I'm sorry, हमार ध्यान कहीं और रहे, चला हम भी तरह साथ चलत बने। ना आई मीन तू इजा जाके का करबा भी, तू तो बोर हो जाएबा। हम अंदर चेकअप करवाई, तू बाहर बैठ के सैड फील करबा, पहले से ही सैड बा। वहाँ पे अलग अलग तरीका के पेशेंट आवेला तो के अच्छा ना लगी। तो हम कहा करी, हमरा समझ में नहीं आवत। तू एगो काम कर, अभी गार्डन में चल जा वॉक करे खातिर, या कहीं ड्राइव पे चल जा। ना हम अकेले कतो ना जा। तू एक काम करा, तू अपनी अपॉइंटमेंट खत्म करके आ जा, ओकरा बाद हमने बीच पे चल जाए। ओके हम जल्दी जाके जल्दी वापस आवता नहीं, और अगर डॉक्टर ज्यादा टाइम लगो लग तो हम अपॉइंटमेंट के ही और दिन के रख के हम वापस आ जाता नहीं। ओके आई एम सॉरी, अभी हमके निकले के होके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय। लेकिन ऐसन का हो गल पूरब, तू इतना जल्दबाजी में काहे बुलावला हमके? दे एक्चुअली हमके पता चला कि आपके मैरिज हाल के कोनो प्रॉब्लम हो गल बा, वही चक्कर में हमने के बीएमसी ऑफिस जाके एक बार पूछे के पड़ी कि आखिर प्रॉब्लम बा का। दे हम सोचा था नहीं कि आंटी जी के पता चले, ऐसे पहले अगर हमने ये प्रॉब्लम के सॉल्व कर दी तो बेटर होगी। ऑलरेडी इतना टेंशन में बाड़ी, फालतू में और टेंशन में आ जाए हैं। पूरब तू बिल्कुल सही करल बड़ा। अच्छा भाई तेरा के पता चल गई बात, वना ऐसन केसेस में बहुत वक्त ले ले वेले। दीव प्लान के बारे में का भेल? तनु के पार्सल मिलल का? पार्सल मिल गई, और वो पार्सल मिलते ही ओकर होश उड़ गई। परफेक्ट, यानी कि हमनी सही डायरेक्शन में जा रहल बानी। था आप कोनो जगह या टाइम फिक्स कहने की ओकरा के कहां और कैसे बुलावे के बा? अभी ना पूरब, हमनी ए बार कोनो जल्दबाजी ना कर सकेले, काहे कि देखा आलिया और राज भैया के सच सामने आइला के बाद तनु बहुत केयरफुल हो गई भैया। वो हर कदम फूंक फूंक के उठावे वाला भैया, वो ऐसा कोनो गलती ना करे वाला जे राज भैया और आलिया कई ले रहे। यही से हमनी की भी एक्स्ट्रा केयरफुल रह के होगी। ओके शक ना होके चाहे कि हमनी ये सब कर रहल बानी, अगर ओके भनक भी पड़ गई ना कि हमनी बानी सबके पीछे, तो हम ओके दोबारा ना फंसा पाई। यही से हमनी के ये बार जल्दबाजी ना करके होगी, और बहुत केयरफुल होके प्लानिंग करे होगी। दी आई थिंक यू आर राइट। दी वो काम करता नहीं, एक बार मैरिज हॉल के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए था डिसाइड कर अब की आगे हमने के का करे के बाद। राज बेटा दरवाजा खोला। अरे बेटा हमनी के फिकर हो रहा, दरवाजा तो खोला। राज, अरे बेटा सारा रात ऐसे ही गुजर गयी, अरे ऐसा क्यों करेला? अरे बात तो बतावा भाईल का बा। भाभी ये का हो रहा बा? राज भैया के सुबह से क्यों नहीं देख ले? पापा इतना देर से आवाज लगा रहा बड़े, कुछ बोलोते नहीं खे। हमने सबके टेंशन हो रहा बा भाभी, बताई ना कहाँ बाड़े राज भैया?
भाभी तू ऐसे मुंह लटका के काहे खड़ा बाड़ू हाँ? कुछ बताओ तू काहे ना का भइल? कहीं तू तो ना कैलू लड़ाई हमरा बेटे के साथ? भाभी आप टेंशन मत ली, अगर लड़ाई भइल भी बात का भइल, हम सब बानी ना, हम लोग समझाए राज भैया के। प्लीज भाभी आप रोई मत, सब ठीक हो जाए। ये तो रोए लग गई यार, हो पम्मी कोनो बड़ बात ना हो गई बा। हम ना एके टेंशन में बहुत बार देख ले बानी, लेकिन रोवत एके पहली बार देख रहल बानी। हाँ ये तो है। राज भैया अंदर नहीं खन। अरे हम तो सबेर से ड्राइंग रूम में बैठल बानी, राज तो बाहर निकल लेना, ऐसा कैसे हो सकेला? भाभी आप कुछ बोलत का नहीं की, जवाब दी। तो बताओ तू काहे ना कहाँ बा राज? मम्मी जी प्लीज आप ये तरीका से मत बात करी, भाभी ऑलरेडी बहुत परेशान बानी। तो हमनी भी तो परेशान बानी ना, हम तो बस ऐसे पूछ रहल बानी कि राज कहाँ बा। अब ये से मुंह बंद करके खड़ा बिया तो सारा घर परेशान हो जाएगी ना। बतावत काहे ना बाड़ू कि कहाँ बा राज? भाइयों राज भैया अंदर निखन और केहू भी उनका घर पे ना देखला सा सुबह से, हमनी सब बहुत टेंशन में बनी और भाभियों कुछ निखिन बोलत खाली रोवत आड़ी। आप देखी ना भाभी राज भैया कहाँ बड़े? भाभी हम पूछते नहीं राज भैया कहाँ बड़े? वो हमसे बहुत गुस्सा बानी अभी, बहुत गुस्सा बानी। वो वॉशरूम में गई, हम इतना दरवाजा नॉक कई नहीं लेकिन वो दरवाजा ना खोल रहे बानी। आप लोग भाभी के ख्याल रखी, हम उनके देख क्या बताएं। अब बेटा हम तो बस ये देखे चाहत रहने कि कहीं वो कुछ, अरे एक बार देख तो ले बेटा हमने क्यों के कुछ ना होगी। हम मानी ना तो आप लोग फिक्र मत करी। बेटा एक बार हम उनकी अपन आंख से देख लेती ना तो तसल्ली हो जाए हमके। एक बार काहे वो हमसे बात ना करी है, हम उनका कुछ ना लगेली। कैसन बात कर रहा बड़ा बेटा, जैसे ओकरा खातिर आकाश बा वैसे ही तू बड़ा, कोनो फर्क बा का? अब जा जा तू बात कर ला, जा चला चला सब लोग अपना अपना कमरा में जा। भैया दरवाजा खोली भैया, हम जाना तानी आप हमसे नाराज बानी, नाराज का गुस्सा बानी, लेकिन प्लीज हमार गुस्सा आप अपन फैमिली पे मत निकाली। हम जाना तानी कि जब आप केहू पे भरोसा करेली, केहू से उम्मीद करेली और जब वो आपके धोखा देवेले तब तब आप पे का बीतेला वो हम अच्छा तरह से जानेली, कहे कि हम भी स्टेज से गुजर चुकल बानी भैया। पर आप भी समझी ना, अगर हमनी के दौर से गुजरे के बात हमनी के एकरा फेस करे के पड़ी, एकरा से लड़े के पड़ी, एकरा से सबक लेके कुछ सीखे के पड़ी ना भैया। सबके जाने के बाद हम भी गिर के उठ के आज आपके सामने खड़ा बानी ना भैया। हमने इधर के अपन कमजोरी बना सके लिए या फिर अपन ताकत, हम जाना तानी के आपके हमरा पे भरोसा नहीं खे, लेकिन हमके आप पे भरोसा बा भैया। हम जानत बानी के आप कितना स्ट्रांग बानी, हालात हमके पैसा कमाइल सिखाइल बा भैया, लेकिन हॉनेस्टी के रास्ता पे चल के पैसा कमाइल तो हम आपसे ही सीखले बानी ना भैया। आपन मंजिल कैसे पावे के बा ई हम खुद सीखनी, लेकिन सही रास्ता पे चल के मंजिल कैसे पावे के बा ई तो हम आपसे ही सीखनी ना भैया। आप भले ही हमके अपन दुश्मन माने ले, लेकिन हम आपके अपन इंस्पिरेशन माने ली। बहुत लोग आपके आपके लालच दे ले, आपके बड़ बड़ रिश्वत दे ले, लेकिन कबो आप सच्चाई के रास्ता ना छोड़नी। ये घर के पैसा कमाने वाला बहुत मिल जाए, लेकिन सही रास्ता पे चल के सिर्फ आप ही सिखा सकेली भैया। भैया हमार ना तो कम से कम एक बार ताई जी और ताऊ जी के बारे में तो सोची। आप हमके अपन भाई ना माने ली तो कम से कम अपन सगा भाई आकाश खातिर बाहर आ जाएं भैया। भैया प्लीज, बहुत मुश्किल से हम ही फैमिली के बने ले बानी। आलिया जौन कैली ओकरा बाद अगर आप भी चल गए तो फैमिली के समेटल बहुत मुश्किल हो जाई। भैया हम ही फैमिली के एक तरफ से संभाल के रख ले बानी, प्लीज दूसरा तरफ से आके फैमिली के संभाल ली ना तो ये फैमिली टूट जाये। हाँ ठीक बा, आप हमके बर्बाद करे चाहत बानी ना तो प्लीज आप अपना आपके सजा मत दी। हम खुद ही फैमिली और घर से बहुत दूर चल जाए, इतना दूर जहां से आपके हमार आवाज ना आई, बस बर्बाद होके की खबर सुनाई दी। चला तानी भैया। हमारी यकीन करें
हम कबो आपके बुरा ना चाहब। हम आपके खातिर ई परिवार खातिर कुछ भी कर सकेली। अगर ई फैमिली खातिर खुद के बना सकेली ना तो खुद के बर्बाद भी कर सकेली। चुप कर लगाई बेग। और कितना शर्मिंदा करबा और कितना नीचे गिरेबा हमरा और कितना शर्मिंदा करबा। तोहरा में कमी खोजत रहनी हम। देखिए ना पौनी की कमी हमरा में बा। खुद के ना पहचान पौनी। इना सोचनी कि सब बुरा लगे लगले। माफ कर दे यार हमके। भटक गई रहनी। गलत हो गई रहनी। यही से गलत रास्ता पे चल पड़ने। लेकिन हम ये वादा करते नहीं कि हमरा होकर तोहरे साथ कुछ बुरा ना होगी। वादा करते नहीं। बस अब और ना रोवल जाए। पूरा फैमिली इंतजार कर रहा बाप के। बाहर आ जाए। ई के कर घर हमारे दोस्त के जे कुछ दिन खातिर बाहर गेल बा। कुछ दिन खातिर हम एजे रहब। कहे की घर अभी के घर के काफी पास बा। निखिल तू कहीं भी रह लेकिन वो वॉचमैन के कुछ कर। आज जो कैला कन्हैया कर मतलब वो सच में सच बोलत बा। झूठ नहीं के बोलत बा। और हमनी के खिलाफ ओकरा पास और भी प्रूफ बा। और अगर वो सारा प्रूफ अभी आप प्रज्ञा के दे देहलक तो सब कुछ खत्म हो जाए। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाए सब कुछ। बहुत अच्छा से जानी ना हम उनकरा ब्लैकमेलर्स टाइप के। ऐसा मजा चखाई बोकरा ऐसा मजा चखाई कि ब्लैकमेलिंग तो दूर ब्लैक कलर से भी नफरत करे लागी। कौन नंबर से फोन करे हो? हर बार अलग अलग नंबर से फोन करे लाओ। वॉचमैन हाँ लेकिन बहुत स्मार्ट बा। और नेक्स्ट कॉल कब करे वाला बा? ई तो ना बतेलक ऊपर पैसा अरेंज करे खातिर एक दिन के टाइम दे लखा। के हो सका था? एक बात बताओ तनु कोनो वॉचमैन टाइप से तोहार कोनो झगड़ा वगड़ा भइल रहे? ऐसे लोग के मुंह भी ना लगेली हम। फिर के हुआ और लड़का कहाँ है? निखिल हमके कैसे पता होगी? हाँ कॉलेज में बहुत सारा लड़का लोग मरत रहे हम पे लेकिन हमके उनके नाम तक ना पता। और मॉडलिंग में अगर कहूँ कि हमसे प्रॉब्लम होके दुश्मनी होके तो वही वक्त कुछ करत ना। मॉडलिंग छोड़ला के बाद कोई कहे कुछ करी। और अभी ई केस में सिर्फ प्रज्ञा ही हमारा दुश्मन है लेकिन आई डोंट थिंक कि वो कुछ करे। कहे कि अगर ओके कुछ पता होगी तो अभी के जाके सच बता दी। लेकिन तू कहे हमरा से ही सब कुछ पूछ रहल बाड़ा। ऐसे भी तो हो सकेला कि कहीं तुहार दुश्मन और तो से बदला लेवे खातिर हमके ब्लैकमेल कर रहल बा। हो सका था तो हो सकेला तो कुछ सोचा ना। देखने के लिए हमरे पास ज्यादा टाइम ना है। यू नो आज हम अभी के साथ ही बाहर जाए वाला रहनी लेकिन ओके मना करके हम तहरा पास आनी तो से बात करे खातिर। और वक्त अभी बहुत परेशान बा तो हमके ई वक्त ओकरे साथ रहे के चाहिए ताकि हमने के शादी बहुत जल्दी हो पाए। डोंट वरी सनो एगो काम करो। ई बार जब वो फोन करी तो ओकरा अपना कोनो जगह पे बुलाओ या ओकर डिसाइड कर जगह ना। कहाँ बुलाई? वो हम तोरा शाम तक बता दे। ई नोटिस तक और के जाए कर है लेकिन गलती से आपके एड्रेस पर पहुंच गए। आपके प्रॉपर्टी के ड्यू तो बाकी ही ना बा। आई एम सॉरी ई गलती हमनी की तरफ से भइल बा। का मतलब सॉरी? इतना बड़ा गलती आप कैसे कर सकेले? केहू और की नोटिस केहू और के पास पहुंच जला ई कैसे हो सकेला? आपके पता भाई ई नोटिस देख के हमनी के का हालत भइला। हम सारा काम छोड़ के यहाँ पे आई नी। देखिये मैडम ऐसा हो जाला टाइपिंग में गलती हो गई लोखी। मतलब आपके पता ही ना है कि कौन वजह से भइल है? देखिए आप लोग शांत हो जाएं। हम चेक कर लेता नहीं कि गलती कहाँ और कैसे भइल बा। दी हम एक मिनट में आवता नहीं। आपके यहाँ आयल बेकार ना होगी। अगर ये प्रॉपर्टी के आप ओनर बानी ना तो मैटर यही क्लोज हो जाये अभी। ओनर की का जरूरत? आप अगर आपके भेजल नोटिस ही गलत है आप नोटिस वापस नहीं मैटर सॉल्व हो जाए? ना 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 हमने के डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस चेंज भइल बा हम ये प्रॉपर्टी पे सही एड्रेस डाल के ओनर के साइन ले ले और ए पर स्टैंप लगा दे ताकि दोबारा ऐसी गलती ना होके। ठीक बा हम ही ओनर बानी। अब बताओ कहाँ साइन करे के बा? हाँ यहाँ। थैंक यू। जी वो कुमकुम भाग के मैरिज हॉल है ना आप नोटिस भेज ले कि पैसा बकाया है लेकिन हम तो सारा पैसा दे चुकल बानी। देखा जी सब रसीद और सब पेपर देखा था फिर आप नोटिस कैसे भेज देला? मैडम ये मैटर सॉल्व हो चुकल बा। ओनर खुद आयल रहली हम देखी साइन भी लेनी उनसे। ये प्रॉपर्टी के ड्यू कोनो बाकी नहीं है
पर वो तो हमार हा। ओनर के ओनर आयल रहे अभी तेज है रहनी। हाँ वो बड़ी वो खड़ा बानी सर ये हमारे फाइल भाई साहब लंच हो चुकल बा थोड़ा देर बाद आई चला भाई लोग लंच कर ले जा इस सब का एक ही भी तोरा पेट ना भरल ची अब तो हर नजर मैरिज हॉल पर पड़ गई ऐसे ऐसे ना ऐसे ना बा तोरा का लागल तू हमरे पीठ पीछे चला की और चौल चल के हमार मैरिज हॉल अपन नाम कर लेबू तू का हम की अभी समझ ले बाड़ू जे हम तोरा के समझ ना पाए अरे हम तो हर नस नस से वाकिफ पानी तू हमके धोखा ना दे सकेलू माँ हम तो हमके माँ मत माँ मत बोल हमके कौनो रिश्ता ना बा हमरा तोरा साथे कौने हक से हमके माँ बोल रहा भैया तू हमार मैरिज हॉल हमसे छीने चाहत रहलू तोरा के पता बना कितना मुश्किल से वो मैरिज हॉल खड़ा कर ले बानी हम तू और बुलबुल बेटी बाड़ू हमार यही से नॉमिनी बना के रख ले रहनी हम अभी मरल ना बानी हम जे तू हॉल छीने चाहत बाड़ू अब तो हमरे मरले के बाद भी ओके छुवे ना पाइबू हम आजे नॉमिनी से तो हर नाम हटा दे नाम हटा दी माँ लेकिन हम सच कर रहल बानी जैसन आप सोच रहल बानी वैसन कुछ ना कर आयल रहनी हम हे भगवान कितना झूठ बोलबू प्रज्ञा तू कितना झूठ बोलबू तोरा तो खून सफेद हो गई बा झूठ बोले के भी कोनो कोनो हद हो खेले तू इतना बचपन से लेके अब तक हम सोचत रहनी कि तोहरा से ज्यादा अच्छी बच्ची तो केहू हो ही ना सकेले लेकिन जे तू कहले बाड़ू ना हमार हमार सर शर्म से झुक गई अरे तोरा के पता बाना क्यों मैरिज हॉल से हमार घर चले ला दाल रोटी चले ले घर पे छत है तो सिर्फ वो मैरिज हॉल की वजह से और तू तू अपन माँ के एक हद तक गिरावल चाहत बड़ू क्यों मैरिज हॉल भी हर पे चाहत बड़ू अरे घर तो डायन भी छोड़ देवे ले तू हमके धोखा दे लू हाँ अरे पूरम अच्छा भाई तू आ गई ला देखा देखा ही का करे वाला रहे वो तो अच्छा भाई हम आ गई नहीं वरना ही हमार मैरिज हॉल हड़पत रहे अरे ओ कुमकुम भागे मैरिज हॉल से हमार घर चले ला और ये ऊहो छीने वाला रहे तरह के पता बारा अभी के सब जायदाद ओकर घर सब कुछ छीन ले लकी एके लागल की ये हमरे साथ भी ऐसा नहीं कर ले पर एके ना पता कि हम अभी के तरह इतना पागल ना बानी कि एकरे बात में आ जाए तू कहत रहला ना कि सब कुछ ठीक हो जाए का ठीक होखी ई हमें की का सजा दे हमके समझ में ना रहल बा हमें से अपन रिश्ता तोड़ लेनी एकर पहचान अरोड़ा उ नाम भी ऐसे छीन लेनी लेकिन अब हमें की का सजा दे हमके कुछ समझ में ही ना रहल हमें को काम करता नहीं हम पुलिस के बुला देता नहीं एक बार ही जेल के अंदर जाई ना तब जाके एकर दिमाग ठिकाना पे आई अरे जे कुछ भी कहले भी आना वो भोला बाल आदमी के साथ ओकरे वजह से एके जेल में ही होके के चाहे हम एके ऊरे सजा दे अब भी पुलिस के फोन करता नहीं ना माँ माँ आप ऐसा कुछ ना करब हम करब हम चाहता नहीं कि इस सलाखन के पीछे चल जा माँ हम कहता नहीं आप ऐसा कुछ ना करब प्लीज हम करब बस माँ बस पूरा प्रज्ञा दी प्लीज प्रज्ञा दी आजा आप हमके रोकब ना और हम और ये सब ना देख सकेला बस हो गए माँ आप जैसन सोचा था नहीं वैसन बिल्कुल ही ना बा जैसन कि आपके लगा था कि प्रज्ञा दी बाड़ी वो वैसन बिल्कुल ना माँ माँ ये जौन कुछ कर रहा बाड़ी ये अपन मर्जी से ना कर रहा बाड़ी इनकर मजबूरी बा माँ सच तो यही बा कि आज भी वह पुरान वाली प्रज्ञा बाड़ी उतनी ही लविंग उतनी ही केयरिंग वह प्रज्ञा दी जो दूसरा के तकलीफ समझत रहनी वह प्रज्ञा जो दूसरा के दुख और दर्द बांटत रहली माँ आज भी आपके पुरान वाला ही प्रज्ञा बाड़ी ये बदलल नहीं की माँ ये कैसे हो सकत बा ये वो वाला प्रज्ञा ना है अरे ये तो हमार आँख में आंसू भी ना देख सकत रहे और तो की याद नहीं कि जब आए रहे वहां हमी के घर अपन रूप बदल के कितना रोक ले रहनी हमें के लेकिन ये हमारे एक बात भी ना सुन लग और अभी के सब कुछ हड़पने लग ये हमार प्रज्ञा हो ही ना सकत ये वो वाला प्रज्ञा ना भैया ये कौन अलग ही बा ये हमार बेटी ना हो सकत माँ इनके वजह से कुछ ना भेल
इनकर कोनो गलती ना बा। माँ आप समझ कहे नहीं की रहल। माँ जैसन के आपके देखावल जात रहे, जैसन के आपके लागत रहे प्रज्ञा तिवारी, वैसन बिल्कुल नहीं की माँ। वो जौन कुछ करत रही अपन वजह से ना करत रही, इनकर मजबूरी रहे माँ। और आप जानत रही ये सब करे खातिर उनके मजबूर के कैलस, आपके खुद के बेटी बुलबुल। माँ बुलबुल और अभी के दादी प्रज्ञा दी की सब करे खातिर मजबूर कैली। बुलबुल और अभी के दादी वो लोग ऐसन काहे कहले? अभी के दुश्मन से बदला लेवे खातिर। माँ आप सब सच जानल चाहता नहीं तो ठीक बा, हम आपके सब कुछ सच सच बताई। और माँ प्रज्ञा दी अपन मकसद में कामयाब भी हो गई ली। आलिया के और राज भैया दोनों के साथ सबके सामने आ भी चुकल बा। बस अब एक के दुश्मन बाकी बा, वो बड़ी तनु। तनु जे के और के बच्चा के अभी के नाम देहल चाहता डी। माँ हमने ओके भी बहुत जल्द पकड़ लेल जाई। लेकिन ये सब तू काहे कहला? हाँ हमके पहले काहे ना बताइला? माँ दादी चाहत रही कि ये सब एगो सीक्रेट प्लान रहे और केहू के बारे में पता ना चले। माँ हमके भी कुछ पता ना रहे पर हम एक दिन बुलबुल के प्रज्ञा दी से बात करत सुन लेनी। और बुलबुल के मजबूरी में हमके सब कुछ बताए के पड़ल, जैसे कि आज हमके आपके मजबूरी में सब कुछ बतावे के पड़ल। सॉरी प्रज्ञा दी, हम ये सब और ना देख सकेला कि एगो माँ अपन बेटी से इतना नफरत कर रहा भी, ओके इतना बात सुना रहा भी, और ओकर सबसे ज्यादा असर माँ पर खुद पड़ रहा बा। और माँ आप ये सोची ना कि दी के दिल पर का गुजर रहा होगी। माँ हम माना तने कि आपके गुस्सा जायज बा अपन जगह, हमने आपसे ये सब बात छुपौनी पर मैं एमें इनकर का गलती बा। ये जौन कुछ कर रहा बाड़ी अपन पति खातिर कर रहा बाड़ी, अभी के भलाई खातिर कर रहा बाड़ी। दी इतना अच्छा काम कर रहा बाड़ी, सबके भलाई के बारे में सोचत आड़ी तो इनके सबकर गुस्सा कहाँ सह के पड़े। माँ यहाँ से घर जाली तो वहाँ अभी के गुस्सा, परिवार वालन के गुस्सा, सबकर नफरत सहेली। माँ आप तो यहाँ होके लेना, हम देखले बनी प्रज्ञा दी की रुवत अकेले में एकदम लाचार बैठ के, जे इनके सुख दुख में साथ रहे, जे इनकर आपन रहे, इस सब के आपन दुश्मन बना ले ली। और माँ ऐसा करल चाहत ना रहनी, इनकर मजबूरी रहे, सब कुछ अभी खातिर कर रहल बाड़ी। अगर आपन लोग के दुश्मन ना बनोती माँ तो आपन लोग के दुश्मन के ढूंढ ना पौती। माँ हमार बात के बुना मत माना, बट बुलबुल के जाए के दुख आपसे ज्यादा ई सहले बाड़ी। माँ आप तो रो के अपन मन हल्का कर लेते रही, बट प्रज्ञा देखिए हम देखले बनी। माँ इनके पास केहू ना रहे गले लगा के रोए खातिर, अपन दुख बांटे खातिर केहू ना रहे इनके पास। अकेली ही रोत रही, अकेली ही आंसू पोछत रही अपन। माँ अगर आज भी हम यहाँ ना होती तो ये चुपचाप आपके पास सुन लेती और एक भी शब्द ना बोलती और यहाँ से चल जाती। यकीन मानी माँ आपके बेटी ये दुनिया के सबसे अच्छा बेटी बाड़ी। जे कुछ भी अपन लोग खातिर कर लिए बाड़ी ना, अगर दुनिया की बात पता चल जाए ना माता, तो हर बंदा यह कहे कि हमार बेटी प्रज्ञा के जैसन होके के चाहिए। ये आज भी उहे प्रज्ञा बाड़ी और हमेशा उहे रहियन। आप कुछ गलत ना कहली बाड़ो, आप उहे कहली बनी जे हम करवावे चाहत रहनी आप हमसे नफरत करो और हम आपसे। हम गलत कहले बानी प्रज्ञा, हम गलत कहले बानी। बच्चा लोग झूठ बोल सकेले, लेकिन माँ उनकर आँख में सच देख सके नहीं, तो खुद झूठ बोलत रहलो, लेकिन हमके समझ आवे जात रहे तोरे आँख की सच्चाई, तोरे कि तू इतना बुरा कभी कर ही ना सकेलो। हमार गलती बा कि हम तोरा के ना समझ पाईनी, तू अपन फर्स्ट बा देलो, लेकिन हमे को अच्छा माना बन पाईनी। हम बहुत बड़ गलती करनी, तोरा के बहुत दुख देनी। हम अपना आपके कहाँ सजा दे तू बता प्रज्ञा। तू हम
हमरे बिना अकेले रह लो तू तो की माँ का कितना जरूरत रहे ना तो की अकेले में माँ की याद आवत रहे लेकिन हम तोरा पास ना रह दी हमार गलती है कि हम अपन बच्ची के साथ ना दे पाए नी बुलबुल के गैला के बाद तो की कितना जरूरत पड़ा होगी हमार बाकी हम वहाँ पे ना रहनी हमके माफ कर दे प्रज्ञा हमके माफ कर दे बेटा लेकिन लेकिन अब तू चिंता मत करे अब तू बिल्कुल चिंता मत कर अब हम बानी ना एक साथ हम सब संभाल ले तो हर माँ तेरे साथ भी है भगवान कहले जेकरे साथ माँ हो खेली ओकरे साथ सब कुछ अच्छा हो खेला ये अलग बात बाकी तेरे माता में अभी के कुमकुम न सजल बा लेकिन लेकिन अगर तू माँ की आंख से देखबो ना तो ओकर ओकर लाली माँ अभी तक देख रहल बा एक कुमकुम के लाली माँ ही अभी के ओकर सब दुश्मन से बचाई कहे की तू सच्चा मायना में एगो अच्छा पत्नी बाड़ू प्रज्ञा सच्चा मायना में तू हमार नाम रोशन कर दे लू हमार बच्चा निखिल बोला तो बहुत बड़े कि ई करी है ऊ करी है पर कुछ कर भी पाई है इसे तो अच्छा कहीं से 10 लाख मिल जात तब पैसा देके वो वॉचमैन के मुंह तो बंद करती और सारा सबूत ले लेती लेकिन 10 लाख मिली कहां से ये अपॉइंटमेंट खत्म करके आ जाओ ओकरा बाद हमने बीच पे चल जाई ओ नो अभी हमके बीच साइड लेके जाए वाला रहे यादे न रहल ओके पास जाता नहीं बहुत लेट हो गई आई होप ओकर मूड ना चेंज होई मिताली भाभी आप यहाँ पे आप ठीक तो बानी ना ना हम ठीक ना बानी तनु जब तक वो प्रज्ञा ये घर में भी आना ये घर में खा पी रहल भी या घूम रहल भी आराम कर रहल भी या ये घर के बॉस बनल फिर रहल भी या तब तक हम ठीक ना हो सके नी लेकिन भाभी आप कर भी कर सके नी आई मीन प्रज्ञा के पास इतना पावर है सब कुछ है और रहल बात आपके तो आपके पास तो अब राज भैया भी एहिला हम तेरे पास आई नी तनु तहार मदद मांगे खातिर हम तो अकेला बानी हमार पास केहू ना लेकिन तहार पास ता सब कुछ बा तू तो हमार मदद कर सकेलू हाँ कर सकेलू ना हमार मदद भाभी हम का आपके हेल्प कर सकीले ज्यादा नाटक करे के जरूरत नहीं खे तनु हम तारे के बहुत अच्छा से जाने ली जितना तू जमीन के ऊपर बाड़ू ना उतने तू जमीन के नीचे भी तू का कर सकेलू का ना कर सकेलू ये हम बहुत अच्छा से जाने ली मदद मांगे आयल बानी तो बहुत भाव दिखा रहल बाड़ू अरे नहीं मदद करे के बाद तो मुंह पर बोले ना हमके कि मिताली भाभी हम तहार मदद ना कर सके नी ऐसे बेचारा बने के जरूरत नहीं के हमारे सामने भाभी 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 बस गुस्सा मत करी अब देखी ना हमने के दुश्मन भी और मकसद भी एनीवे हम आपकी मदद करे खातिर तैयार बानी लेकिन लेकिन का लेकिन हम तब तक कुछ ना कर सके जब तक हमारा अभी से शादी ना हो जाला कहे कि अगर हम प्रज्ञा के खिलाफ कुछ करब तो प्रज्ञा भी हमरो खिलाफ कुछ करी और हम न चाहेले कि प्रज्ञा के बुरी नजर हमार शादी पे पड़े ऐसे अब तक चुप बैठल बानी लेकिन जैसे अभी से हमार शादी हो जाए ना उ दिन देख हम प्रज्ञा के का हाल करेले हमार अभी के आलिया के आपके सबके बदला एक साथ लेब हम तू ही कहे चाहता कि जब तक तहार अभी से शादी ना हो तो हमके चुप बैठे के पड़ी हाँ कहे कि अगर हमार अभी से शादी ना हो तो हमरा ला मुश्किल और बढ़ जाए हम जब तक अभी के साथ ही तब तक सब कुछ ही अभी से दूर भाईनी तो हम कुछ हो ना ठीक कहत बाड़ू तू तनु हम ऐसा करतानी हम तहार और अभी के शादी जल्द से जल्द करावे के कोशिश करतानी घर में ऐसा माहौल बनावतानी सबसे ना बात करतानी जब तक ये सब ना होगी तहार शादी जल्दी से ना होगी ना अब से तहार शादी सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा के इस घर से विदाई बा तहार डोली घर में आई और प्रज्ञा उई घर से जाई डन एक से भला दू अगर हमने साथ में ही तो जरूर होई